guys, welcome to the channel. So in this video we will discuss about Java interview questions, right? So Java interview questions mein kaun se jo sabse important questions hain jo puche jaate hain, let us start with that. Okay, so see, jo tumhara first question hamesha jo interview puchega, that is what is Java. Pehle to wo ye puchega, and then you will answer Java is an object oriented language, and aage jo bhi tumhari definition hogi. Next question jo interviewer puchega, okay, if it is 100, is it 100% object oriented or not? Agar tum no answer de doge, then you are on the right path. Okay, but अगर तुम नो दोगे, उसका जो थर्ड क्वेश्चन होगा वुड बी दिस वन, व्हाई जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. अब तुम इसका आंसर क्या दोगे, बिकॉज ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि जावा में होते हैं. अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, इंट, डबल, बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, राइट. इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 100% नहीं होती, बिकॉज दीज आर नॉट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जावा इज मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट अगर कुछ चीज ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सो हाउ इट कैन बी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अब इसमें इसका एक सोल्यूशन जो है वो निकाला गया, दैट आर रैपर क्लासेस. जावा में हम एक रैपर क्लासेस इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये इंटीजर, डबल, बुलियन, कैपिटल में आई आ जाता है, ठीक है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रैप करती है, जो इंश्योर करती है इट्स कंपैटिबिलिटी विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना देती है, इसको ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो अगर इंटरव्यूअर इफ ही आस्क व्हाई जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट यू विल आंसर दैट जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दैट आर डबल, बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड फ्लोट, फ्लोट एंड एंड, राइट. एंड द सोल्यूशन ऑफ दैट वी हैव इंट्रोड्यूस इन जावा, दैट आर रैपर क्लासेस विच रैप दीज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड वर्क विद देम एज ऑब्जेक्ट्स, इंश्योरिंग बेटर कंपैटिबिलिटी विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. देन द इंटरव्यूअर विल बी हैप्पियर विद योर आंसर. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ओके, then the second question the interviewer will ask would be why pointers are not allowed in Java. Pointers क्यों नहीं allowed होते? अब तुम्हें पता है कि C and C++ में pointers होते हैं, but Java में क्यों नहीं होते? First purpose is security and safety. Java में अगर हम pointers को introduce कर देंगे तो वो क्या direct memory के साथ deal करेगा, direct memory manipulation होगी, जिससे हमारा system जो है क्या होगा, risk में होगा, ठीक है. सेकेंड इज, जावा में क्या है, गार्बेज कलेक्टर होता है, जिसकी वजह से हमें मैनुअल मेमोरी हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती, बट पॉइंटर्स को चाहिए होती है, ठीक है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ा देता है. एंड थर्ड वन इज, अगर ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. जावा क्या है, पोर्टेबिलिटी इंश्योर करता है, बट पॉइंटर्स जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तुम्हारे कोड में. देन ये क्या करेंगे, इसकी वजह से जो तुम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाओगे उसमें उसके साथ जो पोर्टेबिलिटी होगी कोड की वो इंश्योर नहीं कर पाओगे. सो दीज आर द थ्री रीजन. अगर तुम्हें इंटरव्यूअर पूछे व्हाई पॉइंटर्स आर नॉट अलाउड इन जावा, योर आंसर वुड बी फर्स्ट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, बिकॉज पॉइंटर डील्स विद मेमोरी मैनिपुलेशन विच रिस्क आर सिस्टम. सेकेंड इज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट. जावा यूटिलाइजेस ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट थ्रू गार्बेज कलेक्शन. इट हैज गार्बेज कलेक्टर विच एलिमिनेट द नीड ऑफ मैनुअल मेमोरी हैंडलिंग, राइट. एंड थर्ड वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. जावा कोड इज, जावा इंश्योर्स कोड पोर्टेबिलिटी, right? If we introduce pointers, then it will introduce complexity to due to which there would be variation in the memory architectures, right? So this would be your answer. Then this third question is that what is the difference between array list and linked list. Ab see, array list is like this, made up of array. Now see, array, this is contiguous memory, right? But linked list is like this, node. Okay, so there is fast random access. You can access any of the column or the block fastly. Okay, but here you can't. You have to go from one node to another node. Okay, and this is contiguous memory, right? And this is in separate node. And for searching, the time complexity is order of one. Like you have to search array of two. You can directly search it, but here you have to visit from one node to another. So here the time complexity is order of n, right.
Internally, array list uses dynamically resizable array. Here, the array resizes itself according to the size of the element which are to be stored, right? But linked list mein kya hota hai? It has separate nodes, okay? And reference hoti hai previous front aur previous node ke saath. Theek hai, isko doubly linked list kehte hain. I hope the things are clear to you. So this would be your answer, right? Now, if the interviewer will ask you what is the difference between ArrayList and LinkedList, what you will answer? First, in ArrayList, there is fast random access. Second, then in LinkedList, there is slow random access. In ArrayList, the elements are stored in contiguous memory, but in LinkedList, elements are stored in separate nodes. The searching time complexity in ArrayList is order of 1, but that in LinkedList is order of n. Array list is dynamically resizable, but linked list is stored in separate nodes. Okay, so this would be your answer. Interviewer will be happy with your answer, right? And the next question is ki why strings are immutable. Strings ko hum change kyun nahi kar sakte? First of all, agar hum kisi bhi cheez ko directly change karenge, to obviously wo kya hai, hamare security risk jo hai wo ho sakta hai. ओके इससे ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कम हो सकती है. सो अगर ये इम्यूटेबल है, ये क्या इंश्योर करता है? ऑप्टिमाइजेशन. ओके, एडिशनली इम्यूटेबिलिटी कंट्रीब्यूट्स टू द सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड चेंजेस टू योर सेंसिटिव डाटा. कि कोई भी अनवांटेड चेंजेस जो है तुम्हारे डाटा के साथ ना हो पाए, राइट? देन इज थ्रेड सेफ्टी. यू कैन इनहेरिट द थ्रेड, राइट, विथ सेफ एनवायरमेंट. कोई भी रिस्क जो है वो नहीं होगा. तो ये तुम दे सकते हो. ओके, इफ द इंटरव्यूअर विल आस्क व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, योर फर्स्ट आंसर वुड बी थ्रेड सेफ्टी. इम्यूटेबिलिटी इंश्योर्स दैट थ्रेड्स आर इनहेरिटेड सेफली, अलाउइंग मल्टीपल थ्रेड्स टू यूज द सेम स्ट्रिंग विदाउट द रिस्क ऑफ कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन, राइट? एंड द सेकेंड वन वुड बी परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी. It deals with optimization. String immutability deals with optimization. Additionally, immutability ensures contributes to security by preventing unwanted changes to the sensitive data passed to the various Java APIs. I hope the things are clear to you. So these are the four questions which are asked most prominently. And guys, please revisit this video again and again to make it in your mind fully. Okay, and guys, please subscribe to the channel, and thanks a lot for watching this video.